तंद्रहुआ सरकार ऑपरेशन कर सब वो अस्पताल था जहाँ पर हनुमान जी पहुँचे, वो सबसे बड़ा ब्लीडिंग हॉस्पिटल है उसमें। हनुमान जी ने इनको ठीक कर दी, बाबा पहुंच गए, बस बात करती रही बाबा। इतना वक्त इस वाक्या को, इसको 10 साल होने को आए, 10 साल पहले मैयर वाली माता और हनुमान जी गए अस्पताल। अरे जय जय तंद्रहुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय तंद्रहुआ सरकार अनोखी प्यारी। जय सियाराम, जय हनुमान, जय तंद्रहुआ धाम की। कहते हैं तंद्रहुआ सरकार भक्ति के भंडार, यहाँ पर करते जो बनती होता उनका बेड़ा पार। किस तरीके से बेड़ा पार किया है तंद्रहुआ हनुमान ने और इन्हें क्या लाभ मिला है, आज जानते हैं भक्त की जुबानी, बाबा सरकार की कहानी। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? पति को ब्रेन हो गया था तो हम दिल्ली भर्ती करने ले गए थे, तंद्रहुआ डॉक्टर हनुमान और मैयर वाली मैया दोनों गए थे इलाज किया। अच्छा, मैयर वाली माता और तंद्रहुआ हनुमान जी अस्पताल में गए, नर्स और डॉक्टर बन गए, दोनों ने उनकी सेवा की, बहुत अच्छे हो गए और मैया नर्स बन गए। हाँ, और डॉक्टर बाबा हनुमान जी। अच्छा, ये तो यूँ लग रहा है जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, कलयुग के दो ही खम्मा, एक हनुमान दूसरी जगदम्बा। और क्या कुछ हुआ था, कहाँ से भक्त आए हैं, सब कुछ आपको इनसे बताएंगे। क्या नाम है आपका? दया सोनी है। कहाँ से आए हैं? गोहद से। अभी गोहद से आए जी। लोग साथ ही है। अच्छा, सब लोग साथ में है। कितना वक्त इस वाक्या को? इसको 10 साल होने को आए, 10 साल पहले मैयर वाली माता और हनुमान जी गए अस्पताल। कौन सा वो अस्पताल था जहाँ पर हनुमान जी पहुँचे? वो सबसे बड़ा ब्लीडिंग हॉस्पिटल है उसमें। किस जगह था ये? उधर सबसे लास्ट में है, ग्वालियर में, दिल्ली में। दिल्ली में तो कौन सा कहते हैं उससे, एम्स में। एम्स में गए थे। अभी आपके लिए तो हनुमान जी बिल्कुल साक्षात डॉक्टर हनुमान बाबा, साक्षात डॉक्टर हनुमान। डॉक्टर हनुमान, आप क्या मान? डॉक्टर हनुमान, मेरे पति की इनकी नाक पे फुंसी। ये देखिए, इनके नाक में फुंसी हुई थी, अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन हनुमान जी ने इनको बिल्कुल ठीक कर दी। अच्छा, डॉक्टर ने ऑपरेशन? हाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, लेकिन एक दिन पहले दर्शन करके गए, दूसरे दिन इनकी फुंसी अपने आप पानी दिखने लगा नाक में से, तो मैंने मस्का तो बिल्कुल फूट गई। बाबा पहुंच गए, बस बात करती रही बाबा इसको फोड़ो, बाबा इसकी मवाद निकालो, बाबा ने पूरे निकाल दिया। तंद्रहुआ सरकार ऑपरेशन कर, हाँ फोड़ो, फोड़ दी, सब निकाल दिया, साफ हो गई। ऑपरेशन की कह दी थी, बोले कि इसकी तो जांच कराओ, जांच लेबोरेटरी पे पहुंचेगी आपकी। फिर दूसरे दिन ही फेरी देखे गए जैसे जी मवाद नहीं। आपका क्या नाम? मेरा ममता अग्रवाल। ये पूरा वाक्य आप बता रही हैं, इसको लगभग कितना समय हो गया, कितने समय पहले ये हुआ? 15-20 दिन पहले की बात। 20 दिन पहले? 20 दिन पहले का। भैया हमारे भी ऑपरेशन को बोला था लेकिन हमने करवाया। अब बिल्कुल सही है वो? हाँ, अंदर आते हैं। हाँ, अब देखो बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो, ये इतनी बड़ी फुंसी थी। भैया देखो, लाइव तस्वीरों में आपको तंद्रहुआ हनुमान जी के चमत्कारों के साथ ये भक्त नजर आ रहे हैं। नहीं, हमारा तो पुता बिल्कुल नहीं था, हम तो घबरा रहे थे कि क्या होगा, ये तो बहुत घबरा रहे थे। ये भैया घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है तंद्रहुआ सरकार के भजन की, चिंतन की, सुमरन की। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कहने का भावार्थ यही है कि सच्चे मन से भगवान का भजन कीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपने तंद्रहुआ सरकार 1008 चैनल की सदस्यता नहीं ली है, यानी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।